हेलो दोस्तों, वेलकम है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। पेंशनर्स और फैमिली पेंशनर्स के लिए उनकी 20% पेंशन में बढ़ोतरी से रिलेटेड एक बहुत बड़ा लेटेस्ट अपडेट आया है। जी हाँ दोस्तों, 20% अगर पेंशन में पेंशनर्स की बढ़ोतरी होती है तो क्या फ़र्क पड़ेगा, क्या है, पूरा डिटेल में बताएंगे आपको हम। पूरे वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, बने रहिए आप हमारे चैनल पर। और अगर चैनल पर पहली बार आएँ तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा, साथ ही साथ आप हमारे वीडियोस की लेटेस्ट नोटिफिकेशन के लिए घंटे के निशान को ज़रूर प्रेस करिए, तभी आपके पास हमारे वीडियोस की लेटेस्ट नोटिफिकेशन आ पाएगी और आप हमारे वीडियोस को आगे इसी तरीके से आगे भी वॉच कर पाएंगे। जैसा कि आप सभी को पता है कि आपकी बेसिक पेंशन में 80 ईयर्स के बाद ही 20% की बढ़ोतरी की जाती है, उससे पहले यानी कि 60 ईयर्स से लेकर के 79 ईयर्स के बीच में किसी भी प्रकार की आपकी बेसिक पेंशन में बढ़ोतरी नहीं की जाती है। सिर्फ़ और सिर्फ जो आपका डीएनएस रिलीफ यानी कि महंगाई राहत है, वही आपकी पेंशन में बढ़ोतरी होती है और पेंशन उसी हिसाब से आगे रेस्पेक्टिवली बढ़ती जाती है। लेकिन सातों वेतन आयोग में जो रिकमेंडेशंस हुए थे उस टाइम पे, सातों वेतन आयोग का जब गठन या उसको बनाया गया था तो उस टाइम पे ये उसमें एक क्लॉज जोड़ा गया था कि 80 ईयर्स के बाद ही आपकी 20% और 100 ईयर्स के बाद में आपकी पूरी या बोल सकते हैं पेंशन आपको आपके खातों में दी जाएगी। लेकिन इसी बीच एक और जो बड़ी खबर आ रही है कि आपको जो है कुछ दिन पहले एक बहुत इम्पोर्टेंट मीटिंग हुई थी, जिसमें कई सारे यूनियंस और फेडरेशंस भी थे, जिसमें सरकार के अधिकारी भी उसमें बैठे हुए थे। उसमें यूनियंस और फेडरेशन ने सरकार के सामने रिक्वेस्ट की कि सरकार की जो पेंशन है कर्मचारियों और पेंशन है जो फैमिली पेंशनर्स और पेंशनर्स की, उसमें कम से कम 5% की हर 5 ईयर्स के ब्लॉक में एक बढ़ोतरी की जाए, यानी कि 60 साल से 65 साल के बीच में 5%, 65 से 70 के बीच में फिर से 5% और 70 से 5% के बीच में फिर से 5% और 75 से 5% के बीच में, जैसे आप 79 ईयर्स के बाद में फिर से उसमें आपको पता है कि 20% पेंशन ऑटोमेटिक उसमें रिवाइज हो जाती है। तो उसके बाद में एक बहुत अच्छा सुझाव सरकार को दिया गया था पेंशनर्स की एसोसिएशंस और फेडरेशंस की तरफ से कि 5-5 साल के ब्लॉक में 5-5% बेसिक पेंशन में बढ़ोतरी की जाए, क्योंकि एग्जिस्टिंग एम्प्लॉयज़ हैं या सर्विंग एम्प्लॉयज़ हैं उनकी बेसिक पेंशन में आप सभी को पता है कि 3% की हर साल बेसिक बढ़ोतरी की जाती है, साथ ही साथ उनको टीए और एचआरए के अन्य जो अलाउंसेस हैं या अन्य जो भत्ते हैं उनके खातों में पहुँचाए जाते हैं, उनको मिलते हैं, इसकी सुविधा उनको मिलती है। लेकिन पेंशनर्स को इस प्रकार से कोई भी सुविधा नहीं दी जाती है क्योंकि वह एम्प्लॉयज़ नहीं होते हैं सर्विंग, इसका रीज़न एक बड़ा ये भी है। लेकिन 5-5% के जो एक ब्लॉक है 5-5% के बीच में ईयर्स का, और 5-5% को उनको बढ़ाने का एक बहुत अच्छा सुझाव सरकार को दिया गया है। हालांकि सरकार की तरफ से इसके रिगार्डिंग एक बहुत इंपॉर्टेंट अपडेट भी आया था। जी हाँ दोस्तों, उनकी तरफ से एक बोला गया था कि जो मैटर है वो मैटर अंडर कंसिडरेशन है, इसके रिगार्डिंग बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं, आगे कोई ना कोई इसमें अपडेट ज़रूर निकल कर आएगा, हम आपको ज़रूर बताएंगे। साथ ही साथ आप हमें कमेंट करके बताइएगा अगर आपके पास भी कोई सुझाव हो पेंशन में बढ़ोतरी को लेकर के, और ये सुझाव कैसा था ये भी हमें बताइएगा। ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करिएगा, शेयर सभी के साथ करिएगा। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।